जय हिंद एवरीवन, मैं टिंकू डिफेंस एकेडमी से टिंकू कुमार आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी की तरफ से एक और न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें आपको बता दूं आर्मी MES की रिजर्वमेंट 2024 की तरफ से एक न्यू भर्ती आई है। हम आपको उसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं, आइए चलिए। तो इसमें मैं बता दूँ 30 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 28 जुलाई रहने वाली है। एडमिट कार्ड इसके कभी भी जारी हो सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे और एग्ज़ाम डेट जब भी होगी हम उस पर आपको एक वीडियो और बना देंगे। आप कमेंट में बता दीजिए, हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे। और इसमें मैं आपको आगे बता दूँ, आगे जो मांगा गया है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर आर्मी MES रिजर्वमेंट 2024 की तरफ से 10th और 12th पास मांगा गया। आपने पूरे भारत में कहीं से भी कर रखी हो, आपने 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन दोनों चीज़ों का। इसमें आगे लेके चलते हैं आपको, इसमें मैं बता दूं क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, स्किल सेकंड, स्टेनो सेकंड में जो मांगा गया है 12th पास मांगा गया है। और इसमें मैं बता दूं आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 10th और 12th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपने कोई सी भी यूनिवर्सिटी यानी कि आपने कहीं से भी कर रखा हो, आप इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपने बस हाई स्कूल एंड इंटर पास कर रखा हो। और इसमें मैं आपको आगे बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो रहने वाली है वो UR जनरल OBC SC ST मेल फीमेल, आपने कहीं से भी मतलब आप कहीं से भी हो, आपकी कोई सी भी जाति क्यों नहीं हो, आपको कोई फीस का एक रुपया नहीं देना होगा। आपको केवल और केवल फॉर्म भरना है, आपका फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, और आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, अवश्य भरें, आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आपने ऐसी भर्ती कभी पहले नहीं देखी होगी, यह भर्ती कभी कभी ऐसी आती है। एज लिमिट जो मांगी गई है 18 से 27 मांगी गई है, OBC का 18 से 30, SC ST का 18 से 32, और एज काउंट जो की जाएगी वो मार्च 2024 से की जाएगी। और इसमें बता लूँ SC ST OBC के लिए 5 साल और 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आपको तो इसमें एज भी अच्छी खासी मांगी है। आप तो इस फॉर्म को अवश्य भरें, आपका ही फायदा होने वाला है इस फॉर्म भरने में। और आपको तो सरकारी जॉब चाहिए और वह जॉब आपको मिल जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वो नहीं है। और अप्लाई मोड जो रहने वाला है ऑनलाइन मोड रहने वाला है, हु कैन अप्लाई, पूरे भारत में कहीं से भी हो, मेल एंड फीमेल कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लोकेशन जॉब सेंटर जो मांगा गया है ऑल इंडिया में कहीं से भी आप हो, आपका आपको यह लोकेशन कहीं भी दी जाएगी। यदि आपका इसमें नंबर आता है और आप इसमें फाइनल सिलेक्शन लेके जाते हैं तो आपको इसमें जॉब कहीं भी दी जा सकती है। आप इस बात से बेचिंता रहें कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़रूर आप यदि इसमें फॉर्म भरेंगे। और इसमें फिजिकल टेस्ट के बारे में बता दो, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए मांगे। रनिंग जो मांगी गई 5 किलोमीटर मांगी गई 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में मांगी गई है। और इसमें इतनी ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है, आपको आप तो आराम से कर सकते हैं इस फिजिकल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे फिजिकल की तैयारी करते रहें। और इसमें मैं बता दूँ सबसे आगे लेके चलते हैं आपको, और इसमें सब मैं बता दूँ आपको सबसे अच्छी बात जो है इसमें यह है कि इसमें सैलरी जो मांगी गई है वो अच्छी खासी सैलरी है। आप देख सकते हैं 51,769,100 रुपये पर मंथ, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। वैकेंसी डिटेल्स क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ पोस्ट 1950 पोस्ट रहने वाली है, टोटल पोस्ट नेम जो रहने वाले ग्रुप सी के नाम से यह वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें आगे बता दूँ आपको कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, यदि आपने हाई स्कूल इंटर कर रखा है, फेल मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यह वैकेंसी, आपको इसमें आसानी से जॉब मिल जाएगी। अच्छी खासी वैकेंसी मांगी गई है इसमें। और आगे बता दूँ पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, मेट की 920 वैकेंसी हैं, MTS की 316, स्टोर कीपर की 926, टोटल वैकेंसी 950 बताई गई थी। आपको नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं आप, इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप इस फॉर्म को अवश्य भरें, आपके लिए नौकरी लेने का अच्छा मौका है। इसमें ज़्यादा हार्ड फिजिकल भी नहीं है, ये रही टोटल वैकेंसी 2250 वैकेंसी रहने वाली हैं। और
आगे बता दूं, आगे नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं। आपको देख रहा होगा सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी और 25 क्वेश्चन मैथ जीएस 25 और टॉपिक्स जो आएंगे ये भी 25 नंबर के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इतना हार्ड भी इसका पेपर नहीं आता है। आपको इसमें सैलरी भी अच्छी खासी दी गई है 51,100 से, आपको नोटिफिकेशन में देख लिया होगा आपने। और आगे बता दूँ इसमें आप इस फॉर्म को अवश्य भरें, आपके लिए यह अच्छा मौका रहने वाला है। जय हिंद जय भारत।